नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभ्रांशु मोहन पांडे है और सुबह हो चुकी है और सुबह जैसे ही होता है तो मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ, चाहे सो के करूँ या बैठ के करूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। तो मेरा मानना है जो भी लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं उनके घर या उनका किसी का भी उनके घर परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी समय मिले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और हो सके तो सुबह में करें, सोमवार के दिन करें या हर दिन करें, लेकिन करें जरूर। अगर आप कर नहीं सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो आप अपने मोबाइल में लगा लीजिए और उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारे बाबा भोले हैं, भोले, बहुत भोले, वो अपने भक्त को निराश नहीं करते हैं। तो आप लोगों को भी ओम नमः शिवाय। और मेरा धीरे धीरे ऑफिस का टाइम भी होने वाला है कुछ देर में, तो मुझे भी आना है, उसके बाद ऑफिस के लिए जाना भी है। तो मैं इसको डेली महामृत्युंजय मंत्र को सुनता हूँ और अगर मैं रास्ते में भी कहीं भी जाता रहता हूँ, या बाइक से हूँ या अकेले भी हूँ, रिक्शा में भी हूँ या बस में भी हूँ, तो मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ। तो आप लोग भी करो और दूसरों को भी कहो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए। ये बहुत फायदेमंद है और बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, सही है कि नहीं है? क्योंकि ये मंत्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, ऊर्जा देता है, मुझे भी ऊर्जा दिया है, तभी देखो मैं हूं। तो आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, डेली करें, हर रोज करें। तो ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं मैं, क्योंकि मुझे भी जाना है ऑफिस, ऑफिस के लिए तैयार होना है। तो प्लीज, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और देखो मैं नहा के आ भी गया हूँ। और अब जो है कि ये गाना सुना है ना, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो अब मैं नहा लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा नाश्ता कर लूँ, और नाश्ता करके ऑफिस के लिए भी जो है तैयार होना है। तो नाश्ता करूंगा, नाश्ता करके ऑफिस के लिए जैसे निकलूंगा तो दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ नहा वहा कर, और नाश्ता भी कर लिया हूँ। अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और उसके बाद ऑफिस के लिए जस्ट अब मैं निकल रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और एक अच्छी। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से, ये मेरा ब्रेक टाइम है और मैं ब्रेक टाइम पे आया हूँ, और कुछ आप लोगों को आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी। ये बगल में कोई स्पोर्ट कंपनी है, यहाँ पे कपड़े का काम होता है। और ये देखिए कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। लोग अपने मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं, अच्छी बात है। और क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या यानी कि इंटरेस्ट इंसान का होना चाहिए, और इसमें जो है कि दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तो जिससे कि फिटनेस बना रहता है, तो अच्छी बात है। अगर हमको समय नहीं निकल पाता है सुबह में वॉकिंग करने के लिए, तो ये एक अच्छा है कि यहाँ पे खाली टाइम में जो है कि जैसे ब्रेक मिलता है थोड़ा जो है कि भागम भाग हो जाता है, क्रिकेट भी लोग खेल लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। शरीर फिट रहता है, इससे शरीर में रक्त संचार बना रहता है। तो ये भैया दौड़ते हुए, और कुछ तो क्रिकेट देखते हुए, और धीरे धीरे लोग जो है कि पार्क में आना स्टार्ट हो गए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखे जाएंगे। देखिए उधर कुछ लोग बैठ के जो कि लंच करें अपना, और कुछ लोग आ भी गए क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहीं पे बैठ के मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, लोगों का थोड़ा मनोरंजन करता हूँ। उसके बाद जैसे ही ब्रेक टाइम समाप्त होता है, उससे पहले 5 मिनट पहले मैं निकल लेता हूँ।
ऑफिस के लिए यहाँ से। जैसे ब्रेक टाइम मेरा ओवर होता है, ओवर होने से पहले ही मैं यहाँ से ऑफिस के लिए चल देता हूँ। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों। शुभ रात्रि, तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ नए अंदाज में।